तो आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 2024 में आने वाली हिंदी मूवीज के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक पर जो मूवी है उसका नाम है उलझन। यह मूवी 2 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में आने वाली है, जिसमें हमें जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया देखने को मिलेंगे। ये मूवी कहानी है एक सोना नाम की लड़की की, जो देश की सबसे युवा डिप्टी हाई कमिश्नर बनती है। उसके बाद उस पर देशद्रोह के इल्जाम लगते हैं। तो ये फुल ऑफ ड्रामा मूवी होने वाली है दोस्त। इसका ट्रेलर बहुत जबरदस्त है और 2 अगस्त को ये आएगी। तो आने के बाद इसका रिव्यू भी हम इस चैनल पे डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगली मूवी का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। यह मूवी 2 अगस्त 2024 को आने वाली है, जिसमें हमें विक्रांत मेसी और राशि खन्ना दिखाई देने वाले हैं। द साबरमती रिपोर्ट यह मूवी 27 अगस्त 2002 को गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में हुए हमले की कहानी पर आधारित है, जिसमें 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। विक्रांत मेसी का किरदार एक न्यूज रिपोर्टर का होने वाला है, जो कि इस हादसे की असली वजह की खोज करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है औरों में कहां दम था। यह मूवी भी 2 अगस्त 2024 को आने वाली है। अजय देवगन, तब्बू, जिम्मी शेरगिल हमें इस मूवी में दिखाई देंगे। इस मूवी की कहानी दो प्यार करने वाले कपल की है, जिनके रोल में अजय देवगन और तब्बू करने वाले हैं। इस मूवी में लड़का मर्डर केस में जेल चला जाता है और दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और लड़की की शादी हो जाती है। बहुत सालों बाद जब लड़का जेल से बाहर आता है तो वो दोनों फिर से मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है ये हम मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है दोस्तों। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है वो लड़की है कहाँ। 8 अगस्त 2024 को यह मूवी आएगी, जिसमें हमें तापसी पन्नू और प्रतीक गांधी दिखाई देंगे। वो लड़की है कहाँ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें तापसी पन्नू एक पुलिस अधिकारी और प्रतीक गांधी एक पारंपरिक कट्टरवादी सोच के व्यक्ति दिखाई देंगे। प्रतीक की दुल्हन को ढूंढने के दौरान दोनों की विचारधाराओं में टकराव होता दिखेगा, जिसे मजेदार तरीके से दिखाया गया दोस्तों। तो फुल ऑफ कॉमेडी ड्रामा मूवी आने वाली है। हमारी अगली मूवी का नाम है तख्त। यह मूवी 11 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी में हमें आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, विकी कौशल, अनिल कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। यह है एक बिग बजट मूवी होने वाली है दोस्तों, जो कि मुगलों की कंट्रोवर्शियल कहानी पर आधारित होगी। हमारी अगली मूवी का नाम है खेल खेल में। यह मूवी 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। इस मूवी में हमें अक्षय कुमार, तापसी पन्नू और फरदीन खान नजर आने वाले हैं। यह मूवी फुल ऑफ सस्पेंस ड्रामा मूवी होने वाली है। यह मूवी कुछ पुराने दोस्तों की कहानी है, जो कि एक गेम खेलते हैं, ऐसा गेम जिससे उन दोस्तों के बीच का बॉन्ड और दोस्ती दिखती है। इस खेल के आसपास इन सारे दोस्तों की जिंदगी और पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों को दिखाया जाएगा। खेल खेल मूवी में करीब 17 साल बाद अक्षय कुमार और फरदीन खान नजर आने वाले हैं। तो ये इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। हमारी अगली मूवी का नाम है वेदा, जो कि 15 अगस्त 2024 को आएगी। इस मूवी में हमें जॉन ब्राइम, सर्वरी वाघ और तमन्ना भाटिया लीड रोल में दिखाई देंगे। यह एक जबरदस्त एक्शन मूवी होने वाली है दोस्तों, जिसमें बाप लेवल का एक्शन दिखाई देगा, जो कि हम ट्रेलर में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है जिद्दी सनम। यह मूवी भी 15 अगस्त 2024 को आने वाली है, जिसमें हमें सरमन जोशी, आर्या बब्बर और सरीब हाशमी नजर आने वाले हैं। यह फुल ऑफ थ्रिलर मूवी होने वाली है दोस्तों। इस फिल्म का निर्देशन अरविंद सिंह राजपूत कर रहे हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है स्त्री 2। यह मूवी भी 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में आने वाली है, जिसमें हमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी यह सब नजर आने वाले हैं। स्त्री फर्स्ट की तरह ये जबरदस्त फुल ऑफ हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। इस बार तो और ज्यादा जबरदस्त तरीके से यह मूवी खुद को प्रेजेंट करेगी। हमारी अगली मूवी का नाम है विस्फोट। यह मूवी 23 अगस्त 2024 में आएगी, जिसमें हमें रितेश देशमुख और फरदीन खान लीड रोल में नजर आएंगे। विस्फोट एक फुल ऑफ ड्रामा फिल्म होने वाली है दोस्तों। यह फिल्म रॉक पेपर सीजर्स का हिंदी रीमेक होने वाला है। विस्फोट फिल्म में रितेश देशमुख और फरदीन खान 14 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है VD18 या VD18। यह मूवी 31 अगस्त 2024 को आएगी, जिसमें हमें लीड रोल में वरुण धवन देखने को मिलेंगे। VD18 एक एक्शन फिल्म होगी, जिसे इटली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म में वरुण धवन पहली बार पुलिस की वर्दी पहनकर दबंगई करते नजर आने वाले हैं दोस्तों। तो यह एक जबरदस्त एक्शन मूवी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह थी हमारी कमिंग अगस्त 2024 में आने वाली हिंदी मूवी।